तो फ्रेंड यहाँ पे ना मैं मंगलसूत्र भर रही हूँ और ब्लैक और गोल्डन कलर में भर रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैंने इतना भर लिया है। और अगर आप लोग बोलेंगे ना तो मैं स्टार्टिंग से भी भर के दिखा दूँगी, एक दूसरी अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगी अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग। और ये देखिए यहाँ पे मैंने गोल्डन और ब्लैक कलर में भरा है, कितना प्यारा लग रहा है। मैं इतना भर लिया था, मतलब एक गोल्डन और एक ब्लैक कलर का मोती भरा था। अब इसके बाद ना मैंने गोल्ड के जो मोती है मेरे पास वो डाल दिया है एक, फिर मतलब एक गोल्ड का मोती डाल दिया, उसके बाद ना मैं तीन मोती डालूँगी, एक गोल्डन, बीच में ब्लैक, फिर इसके बाद गोल्डन, फिर उसके बाद मैं एक गोल्ड का मोती डालूँगी। और मैंने ना तीन लरी में मतलब पोया हुआ है, तो जो तीनों लरी है ना वो गोल्ड के उसमें डालती जाऊँगी, मतलब आप लोगों को सही से देखे, इसलिए मैंने इसे पैर में फंसा लिया है क्योंकि मैं अकेले ही बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी मतलब वो उलझ भी जाते हैं धागे, जैसे आप लोग देख पा रहे इतना हो गया है। अब मतलब मैं जो छोटे छोटे तीन तीन मोती भरती जाऊँगी और फिर जो गोल्ड वाला मोती है उसमें से मतलब उस तीनों को एक ही में से डालती जाऊँगी, तो कुछ ऐसा बन गया है। जैसे मैं आपको थोड़े पास से दिखाती हूँ, ऐसे मतलब एक लास्ट में डाला है मैंने, फिर दो दो गोल्ड के डाले हैं, फिर से मैं तीनों लरी में अलग अलग से मतलब तीन तीन मोती पोंगी, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। फिर इसके बाद फिर से मैंने गोल्ड वाला मोती डाल दिया है और टोटल मिला के मैंने सात मोती डाल दिए हैं। ये देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कुछ ऐसा हो गया है। और अब इसके बाद ना मैं जो पेंडल है ना वो डाल दूँगी, और पेंडल भी तीनों में से डालना है। तो ऐसे ही मतलब आप जैसे आपको रेड में या फिर ब्लैक ही ब्लैक में या फिर पूरा गोल्डन गोल्डन में ऐसा ऐसा मतलब मोती में पोना है तो वैसे भी कर सकते हैं। और जैसे गोल्ड के मोती ज़रूरी नहीं है, बगैर गोल्ड वाला भी ऐसे लेके भी मतलब अपन बना सकते हैं माला, ऐसे कई टाइप की बनती हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसा हो गया है। और जैसे मैंने इस साइड से बनाया था ना, सेम उसी साइड से मैंने उस बना दिया है। और ये मैं दिखाती हूँ पास से, ये देखिए मैंने एक में जो डाल दिया है और ऐसे ही मैं तीनों में डाल दूँगी। और अब आगे मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे डाल रही हूँ मैं जो गोल्ड का है ना, एक में डाला था अब एक दूसरे में डाल दिया और ऐसे तीसरे में भी डाल दूँगी मैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने डाल दिया है। और अब मैं आगे भी मैंने इतनी भर ली है, मतलब जो छोटे छोटे वाले मोती है ना वो मैंने भर लिए हैं, एक ब्लैक और एक गोल्डन वाला। उस पर ठीक तरीके से दिख नहीं रहा था ना, तो मैंने इस पर रख लिया है। और मतलब मुझे झुकने में भी थोड़ी प्रॉब्लम टाइप की हो रही थी, तो मैंने इस थोड़ा ऊँचा करके रख लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं भरती जा रही हूँ, और यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है। और अब मैं इनको ना बराबर करके देख लेती हूँ ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, और मैं बराबर कर रही हूँ तो मैं मतलब वो बराबर मुझसे ठीक तरीके से नहीं हो रहा है क्योंकि वो आगे से मतलब आगे की ओर खिसक जाता है। तो मैंने जो एक्स्ट्रा मोती थे वो निकाल लिए हैं, और अब मैं दिखाती हूँ आपको बनने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है। और अभी बन गया है ये, तो मतलब मैं इनमें ना जो एक्स्ट्रा मोती है वो निकालती जाऊँगी क्योंकि जो कुछ कुछ एक्स्ट्रा हो गए थे। और मैंने यहाँ पर हेल्प ले ली है क्योंकि वो आगे को खिसक रहा था ना, तो सही से समझ में नहीं आ रहा था कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने उसका पेंच भी लगवा लिया है, और ये यहाँ पे गठान लगवा ली है मैंने उसमें, क्योंकि ना मुझसे वो छूट जाती है और इतनी मेहनत से बनाया वो छूट जाती है ना, तो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है। और यहाँ पर एक मैंने कैंडल ले ली है, उससे मतलब थोड़ा पिघलाएँगे जो मतलब जो पेंच है ना उसके मतलब अंदर तक करके इस गठान को पिघलाएँगे, और गठान काफ़ी अच्छे से लगानी है मजबूती से। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा धागा था ना वो मैंने काट दिया है, और ये देखिए मैंने इसको ऐसे करके अंदर की साइड पिघला दिया है। ये देखिए कुछ ऐसा बन गया है। और अब मैं यहाँ पे आप लोगों को लगा के बताती हूँ, तो बस ये बन गया है फाइनल लुक। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो।